आहेत किंवा टेम्पररी सुरू केलेले हॉस्पिटल्स आहेत याची फायर सेफ्टी ही तात्काळ झाली पाहिजे अशी वारंवार मागणी होती, ते देखील आम्ही करू असं सांगितलं होतं, पण कुठलंही फायर सेफ्टी ऑडिट या ठिकाणी झालेलं दिसत नाही। सरकार घटना घडली की केवळ घोषणा करते, घोषणेच्या पलीकडे सरकारच्या माध्यमातून काही झालेलं या ठिकाणी दिसत नाही आणि अनेक गोष्टी आता या ठिकाणी आल्यानंतर समजतायत, म्हणजे विशेषतः रेस्क्यू करण्याकरता कशा अडचणी आल्या कारण त्याची व्यवस्थाच या ठिकाणी नव्हती, किंवा अनेक संभ्रमाच्या देखील गोष्टी येत आहेत की आग नेमकी कुठे लागली आहे, मग त्याचा काही पीएमसी बँकेशी संबंध आहे का, असंही काही लोक सांगतात, त्यातलं सत्य माहिती नाही, पण अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी काही दुकानदार येऊन सांगतायत की आमची एनसीएलटीत केस होती म्हणून आग लागली। ठीक आहे, या सगळ्या कथा ज्या आहेत त्याच्यावर आज विश्वास ठेवण्याचं कारण नाही, कारण त्याचं संपूर्ण आपल्याला विश्लेषण करावं लागेल, पण जी घटना घडली आहे त्याच्यामध्ये मात्र बीएमसीचं सरकारचं अतिशय अक्षम्य अशा प्रकारचं दुर्लक्ष आणि ढिसाळपणा हा स्पष्टपणे या ठिकाणी दिसतोय। आता ठीक आहे की त्या संदर्भात आता काही फार बोलणं योग्य होणार नाही कारण आता लोक सगळे दुःखात आहेत, पण मला हे समजत नाही की अजून किती लोकांची मौत झाल्यानंतर या सरकारला जाग येणार आहे आणि अशा प्रकारच्या ज्या व्यवस्था या ठिकाणी उभ्या केल्या जात आहेत, आता मेकशिफ्ट व्यवस्था देखील ज्या तयार केलेल्या आहेत त्यातही कुठे फायर सेफ्टी नाही आहे, ईश्वराच्या कृपेने तिथे काही झालं नाही आणि होई नाही, पण उद्या अशी एखादी घटना घडली तर कोणाला आपण जबाबदार ठरवणार आहोत, आणि म्हणून मला असं वाटतं या घटनेची सखोल कारवाई सखोल चौकशी झाली पाहिजे, कारवाई झाली पाहिजे आणि अशा घटना होणार नाहीत याकरता घोषणा नाही तर अॅक्च्युअल अॅक्शन ही सरकारच्या वतीनं झाली पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे। दोन महिन्यापूर्वी एक ऑडिट झालेलं होतं, ते ऑडिट मॉलचं झालेलं होतं आणि त्यामध्ये या मॉलमध्ये सेफ्टी नाही असं सांगण्यात आलेलं होतं, तरीही दोन महिने कुठली कारवाई झालेली नाही आणि आता ही आग लागण्याची घटना होते। हे फायर सेफ्टी ऑडिटच्या संदर्भात जर कारवाई झालेली नाही तर त्या संदर्भात जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई केली पाहिजे। आज ये जो आग यहां पर लगी है बहुत ही सीरियस इस प्रकार का ये सारा मसला है, कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग मौत के मुंह में चले गए हैं और एक प्रकार से इसमें सरकार की और बीएमसी का अक्षम्य इस प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने कोताही इसमें बरती है, क्योंकि विशेष रूप से भंडारा की घटना में जहां 10 बालक जलकर मर गए उस घटना के बाद सरकार ने घोषित किया था कि सारे हॉस्पिटल्स का हम लोग सेफ्टी ऑडिट करेंगे, फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगे। ये तो बिना ओसी की बिल्डिंग जहां पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोविड को देखते हुए हमने मान्यता दी थी, सबसे पहले तो फायर ऑडिट यही करना चाहिए था, यहां पर कोई फायर ऑडिट नहीं किया गया। आज जब आग लगी तो अगर यहां पर रेस्क्यू की जगह होती तो लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये सारा जो मसला है ये सरकार का और बीएमसी के कोताही के कारण हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। सीएम माफी मांग रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं इस घटना की। ठीक है, जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी और केवल उनको नहीं तो जो जो जिम्मेदार है और विशेष रूप से बीएमसी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी को भी परमिशन मिल जाती है, कैसी भी परमिशन मिल जाती है, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी ये बीएमसी को भी लेनी पड़ेगी, सीएम साहब को भी लेनी पड़ेगी और सरकार को भी लेनी पड़ेगी। अनेक अनधिकृत हॉस्पिटल अनेक अनधिकृत नर्सिंग होम अभी सुधा महती मिलते दर का वर्षा इत बिल्डिंग कोसने घटना सुधा घड़ा मटत कि एकूणच बीएमसी प्रशासन हे भ्रष्टाचाराने इतकं पोखरलेलं आहे की त्यातनं कुठली ऍक्शन होईल असं वाटत नाही। माझं तर मत असं आहे की न्यायालयाने सुमोटो या संदर्भातला कॉग्निझन्स घेतला पाहिजे आणि बीएमसीला या ठिकाणी डायरेक्टिव्स दिल्या पाहिजे। सर हिंदी में ये बात बता दीजिए, सीएम मानने के लिए तैयार नहीं है जबकि सीएस की रिपोर्ट को लेकर के कहीं कहीं रश्मि शुक्ला को दोषी जरूर ठहराया गया है, पूरी रिपोर्ट कल आपने देखी होगी कितना गंभीर मामला। देखिए, पहले तो मैं इस घटना के बारे में बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा मानता हूं कि यहां पर सबसे जरूरी ये बात है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर जो जो इल्लीगल हॉस्पिटल चल रहे हैं, इलीगल बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बीएमसी का प्रशासन भ्रष्टाचार से इतना ज्यादा सड़ चुका है कि वहां से कार्रवाई होगी ऐसा लगता नहीं। मैं तो मानता हूं
माननीय हाईकोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसकी कमेटी हाईकोर्ट ने तैयार करनी चाहिए और उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फोन टैपिंग अहवाल तुम्हें जो समोर आना होता है, आता मुंबई साइबर सेल मध्ये चौकशी होऊ शकते जब रश्मी शुक्ला को दोषी बना दिया गया पूरी रिपोर्ट में। देखिए कल जो सीएस की रिपोर्ट उन्होंने दी है, मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि सीएस श्री सीताराम कुंटे को मैं अच्छे से जानता हूं, वो सीधे राह चलने वाले व्यक्ति है और वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं तो ऐसा मानता हूं कि रिपोर्ट उन्होंने तैयारी नहीं की। ये रिपोर्ट शायद मैं ऐसा मानता हूं कि जितेंद्र आव्हाड या नवाब मलिक इन्होंने शायद तैयार करके उनको दी और उन्होंने सिग्नेचर किए। इसका कारण यह है कि इस रिपोर्ट में इतनी फैलसीज है। सबसे पहली फैलसी क्या है, तो वो ये है कि ये रिपोर्ट ऐसे कहती है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा, पब्लिक ऑर्डर का मुद्दा ये उपस्थित होता है तभी इस प्रकार से टैपिंग किया जा सकता है और हमको गलत बताकर हमारे से परमिशन ली। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप जो टेलीग्राफ एक्ट है इसमें टैपिंग के बारे में जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इंसाइटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब कोई भी गुनाह अगर होने वाला है ऐसी जानकारी होगी तो टैपिंग किया जा सकता है, लेकिन उतनी लाइन इस रिपोर्ट में काट दी गई। मतलब ये रिपोर्ट ही फैब्रिकेट हो रहा है, उतनी लाइन ही काट दी गई है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि एसीबी जिस समय टेलीफोन टैपिंग करती है उस समय कौन से कानून के तहत करते है? इसी के तहत करती है, इंसाइटमेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफेंस, और इसलिए वहां नेशनल सिक्योरिटी नहीं होती, भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है। दूसरा, इस ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भाई रिपोर्ट खुले होने से कई अधिकारियों के ऊपर उसमें आ चाहिए या उनको बदनामी सहन करनी पड़ी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, रिपोर्ट खुला किसने किया? मैंने तो केवल कवरिंग लेटर दिया था। इस रिपोर्ट को खुला किया मंत्री श्री नवाब मलिक इन्होंने किया। कई पत्रकारों ने उन्होंने भेजा हुआ रिपोर्ट मुझे भेजा कि नवाब मलिक जी ने ये मुझको रिपोर्ट भेजा है, और आप लोगों ने भी टीवी चैनल पर दिखाया कि नवाब मलिक जी ने रिपोर्ट वहां पर पब्लिक किया। तो रिपोर्ट पब्लिक करने का काम तो नवाब मलिक जी ने किया है। और तीसरी, इसमें सबसे बड़ी फैलेसी ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि ये तो ट्रांसफर हुई नहीं, मैं तो केवल नवाब मलिक जी ने जो 5 पन्ने दिए उसमें 12 ट्रांसफर ऐसी है, 12 कि जो कन्वर्सेशन में भी आती है और वो ट्रांसफर भी हुई है। तो इसलिए ये कुल मिलाकर रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट एक ढकोसला है, ये रिपोर्ट जो है ये कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। और हमारे पास तो अब इस रिपोर्ट के खिलाफ इतनी इन्फॉर्मेशन है, जब उचित समय आएगा तो कोर्ट में वो सारी इन्फॉर्मेशन हम निश्चित रूप से पेश करेंगे। असं आहे की काल माननीय जे आपले सचिव आहेत, मुख्य सचिव श्री सीताराम कुंटे यांनी जो रिपोर्ट दाखल केला आहे, मी सीताराम कुंटेंना अनेक वर्षापासून ओळखतो, ते सरळ मार्गी अधिकारी आहेत, त्यामुळे असा रिपोर्ट ते तयार करतील असं मला वाटत नाही। माझं तर मत आहे की हा रिपोर्ट हा श्री जितेंद्र आव्हाड किंवा नवाब मलिक यांनी तयार केला आणि कुंटे साहेबांनी केवळ त्याच्यावर सही केली आहे। याचं कारण सांगतो, रिपोर्टमध्ये इतकी फॅलसी आहे, इतक्या चुकीच्या गोष्टी या रिपोर्टमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। पहिली गोष्ट, त्यात असं सांगण्यात आलेलं आहे की नॅशनल सिक्युरिटीचा मुद्दा असला तरच अशा प्रकारचं टॅपिंग करता येतं। परमिशन मागितली होती हे सांगितलंय, पण ते नॅशनल सिक्युरिटीचा मुद्दा नव्हता, हे अतिशय चुकीचं आहे। जाणीवपूर्वक कशा कशाला परमिशन दिली जाते याची शेवटची ओळ गाळून या रिपोर्टमध्ये टाकण्यात आली, आणि शेवटची ओळ अशी आहे की त्या ठिकाणी इन्साइटमेंट ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेन्स, म्हणजे कुठलाही ऑफेन्स होणार आहे असं जर वाटलं तर टेलिफोन टॅपिंग करता येतं। एसीबीला, अँटी करप्शन ब्युरोला टॅपिंगची जी काही अधिकार दिले आहेत ते याकरताच दिलेले आहेत की जर करप्शन होत आहे आणि त्यातनं ऑफेन्स होणार आहे असं माहिती असलं तर अशा प्रकारचं टॅपिंग करता येतं। त्यामुळे जाणीवपूर्वक चुकीचं, केवळ सोयीचं
हे त्याच्यामध्ये कोट केलंय. दुसरं त्यात असं म्हटलेलं आहे की रिपोर्ट बाहेर आल्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांना मानसिक याला समोर जावं लागतंय. आता रिपोर्ट बाहेर कोणी आणला? मी तर केवळ दोन पानं दिले होते, बाकी सगळा रिपोर्ट सील्ड एनव्हलपमध्ये मी सन्माननीय केंद्रीय गृह सचिवांना दिला. हा रिपोर्ट पत्रकारांना दिला नवाब मलिक यांनी, आणि पत्रकारांनी स्वतःही सांगितलं आणि आपल्या अनेक चॅनलवरही दिसलं की नवाब मलिक साहेबांनी रिपोर्ट पूर्ण फोडून त्या ठिकाणी आणि त्यातली 5-6 पानं ही त्यांनी लोकांना दिली. त्याच्यामुळे खरं म्हणजे हा रिपोर्ट जो बाहेर आला किंवा कोणाला जर मानहानी सहन करावी लागत असेल तर ती त्यांच्यामुळे. तिसरी महत्वाची गोष्ट, या रिपोर्टमध्ये असं म्हटलंय की त्या बदल्या झाल्याच नाहीयेत. नवाब मलिक साहेबांनी जो रिपोर्ट फोडलाय तेवढाही रिपोर्ट बघितला तर त्यातल्या जवळजवळ 11-12 बदल्या ज्या आहेत त्या बदल्यांचा उल्लेख जो 6.3 GB डेटा आहे त्या डेटामध्ये त्या ठिकाणी येतो आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं असं आहे की या संदर्भात डीजींनी स्वतः, तत्कालीन डीजी यांनी स्वतः सीआयडी इन्क्वायरी करा असं स्पष्ट लिहिलेलं असताना ती सीआयडी इन्क्वायरी कोणी थांबवली हा देखील यातला प्रश्न आहे. आणि म्हणून काहीच हरकत नाहीये, सरकारला जी चौकशी करायची आहे ती केली पाहिजे. या संदर्भात खूप पुरावे आमच्याजवळ, आम्ही कोर्टामध्ये ते सगळे पुरावे देऊ. देखिए अभी मैं अभी ये 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 मॉल किसके करीबी का है इसके ऊपर जाने की जगह जो भी होगा जिसका भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए.